बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि वो कौन से फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वो बेसिकली हमारे पास दो थे। पहला हमने सम निकाला था अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी ओवर ए था। इसके बाद हमने प्रोडक्ट लिया था, जो कि हमारे पास सी ओवर ए आया था। अब इन दोनों को हम यूज करेंगे और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बेसिकली रूट्स वो सॉल्यूशन सेट होगा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट पे इसके दो आंसर निकलते हैं। तो हमने इसको सॉल्व नहीं करना, तो डायरेक्ट हमारे पास ये ऐसा मेथड है जिसके जरिए उन दोनों आंसर्स का हम सम निकाल सकते हैं और उनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी वैल्यूज क्या है, जस्ट हमने उनको लेट कर लिया कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे। तो सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यूज ले लेते हैं। ए हमारे पास है 3, इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास 7 है और सी हमारे पास -11 है। अब इन वैल्यूज को सिंपली हमने इनमें पुट कर देना है। तो सम हमारे पास जो कि अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट के लिए हमने अल्फा बीटा लेना है, वो किसके इक्वल होता है? सी ओवर ए के। तो ये हमारे पास आ गया सी ओवर ए। अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 11 है और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन भी मौजूद है जिसका हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बिल्कुल इसी तरह फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लेट किए हैं कि रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा है और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो एल प्लस एम आएगी, क्योंकि ए जो है बेसिकली वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है। इसी तरह बी हमारे पास यहाँ मौजूद है, उसकी वैल्यू है एम प्लस एन और सी जो कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास एन माइनस एल है। अब इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इनका सम फाइंड करते हैं रूट्स का, जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास एम प्लस एन है और ए की वैल्यू हमारे पास एल प्लस एम है। इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स। इसके बाद हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट बेसिकली हमें पता है इक्वल टू होता है अल्फा बीटा के, जो कि हमारे पास सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो अब हमने इसमें सी की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास एन माइनस एल है। तो एन माइनस एल डिवाइडेड बाय ए, जो कि हमारे पास एल प्लस एम है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों, इसी तरह इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करने हैं। सिंपली आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है और अल्फा बीटा जो है ये सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो बाकी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज लेनी है, उनको इनमें पुट कर देना है। तो आपके पास सिंपली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।